परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु वरं वंदे सचं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज रविवार का दिन और रविवार को जैसा कि आप सबको पता है हमारा विशेष सत्र रहता है, तो आज भी इस विशेष सत्र में हम एक विशेष टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से जानी मानी शिक्षिका श्वेता जी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो श्वेता जी के बारे में हम कुछ उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी लेंगे। हमारे साथ अलका जी सांखला हमारी कोऑर्डिनेटर भी जुड़ चुकी है। तो श्वेता जी का आज का जो टॉपिक है बॉडी व्हिस्पर्स, व्हिस्पर्स यानी फुसफुसाना। हम कानों कान कुछ बात करते हैं, फुसफुसाते हैं, तो हमारा शरीर भी जो है हमें इसी तरह फुसफुसा कर कुछ संकेत हमेशा हमें देता है। उस संकेतों को हम समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, आई गई कर देते हैं, तो क्या होता है फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारियों के रूप में उभरने लगता है। तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे वो बढ़ती है अंदर ही अंदर। तो शरीर हमें पहले संकेत देने लगता है लेकिन उनको हम पहचानते नहीं है। तो इससे कैसे पहचाने, इस बहुत ही सुंदर टॉपिक है आज का। और अगर हम अपने शरीर के संकेतों को पहचानने लग जाए तो हम पहले से सावधान हो जाए तो हम बीमार भी नहीं पड़ते। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप श्वेता जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सह सम्मान सादर आमंत्रित करें। अलका जी साखला। यस,
जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। यस, सभी हाथ ऊपर करें। रेडी? यस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम श्वेता जी, मोस्ट वेलकम। सुस्वागतम, सुस्वागतम। एमपी के और कल्याणम केंद्र आप सबका सहर्ष स्वागत करता है। बहुत सुंदर टॉपिक है आज का। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, हमारा शरीर एक मैजिक है, एक जादू है। मतलब जितना भी उसके बारे में बोला जाए, जितना भी कहा जाए, वो कम ही रहेगा। क्योंकि ऐसी जो मशीनरी है, इतने पुर्जे वाली, इतनी करोड़ों अब्जो तो इसमें खरब हो तो कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं, पर उनका अपना एक ओन कारखाना है हर कोशिकाओं का। मतलब एक छोटी कोशिका तो अरबों खरबों तो कोशिकाओं के कारखाने हैं शरीर में। और सबसे बड़ी बात है, ये सब आपसी मेल रखते हैं, तालमेल रखते हैं। इतने कि तू तेरा काम कर, मैं मेरा करते, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, जो वो नहीं, बॉडी में जो इतनी सारी चमत्कारिक, मत जादुई, क्या क्या शब्द यूज करे, वो कम है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि दुनिया को हम सब समझने की कोशिश करते, दूसरों को जानने की कोशिश करते, पड़ोसी क्या, विश्व में क्या चल रहा है, नेट पे ढूंढ लेंगे, पर खुद के शरीर को ही आदमी नहीं समझ रहा है। जब तक आदमी अपने बॉडी को, बॉडी के साथ बात नहीं करेगा, बॉडी के साथ चर्चा नहीं करेगा। श्वेता नाम भी बहुत सुंदर है, श्वेता, श्वेत रश्मिया होती है। और ये श्वेत रश्मिया जब हम तक पहुंचते, श्वेता जी आपके पीछे है ना बारी है, शायद उसमें से अच्छा, लाइट आ रहा है, तो तो थोड़ा सा एक तो बारी का मैं देख पर्दा लूंगा। लगा दीजिए, या तो आपका एक्सचेंज कीजिए, क्योंकि वो वीडियोग्राफी में फिर वो आपका चेहरे पे क्लियरिटी नहीं है। तो हाँ हाँ ऐसे श्वेता जी आज हमारे साथ जुड़ी है, श्वेता अग्रवाल सूरत से है। कर मैंने बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनका जो विषय है, फंडा है, वो इतना क्लियर है और इतना स्पष्ट है। हर चीज का क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि व्यक्ति बदल जाता है। आपको याद होगा हमारे यहाँ एक कर्नल लेक्चर देते थे, किचन, मतलब किचन विदाउट फायर। हम किचन में खाना बनाने के लिए गैस नहीं यूज करे, और उनका एक्सपीरियंस ऐसा था, उनको ऐसा अनुभव आया था कि उनके फादर के साथ उनको बहुत कुछ काम करना था और फादर को अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया। तो उनको लगा क्यों हुआ, क्यों हुआ, तब उनको लगा कि आहार सही नहीं है, आहार की जानकारी नहीं है। और तब उन्होंने आहार पे काम शुरू किया, और वो अनेक विषय पे, कि जैसे दूध जहर है, किचन में कौन सा डॉक्टर है। बहुत सुंदर सुंदर लेक्चर दिए श्वेता जी, आप भी कभी वीडियो देखना उनका, आपके लिए भी बहुत उपयोगी रहेंगे। जी तो ऐसा ही विषय लेके आज हमारे साथ श्वेता जी जुड़ रही है। श्वेता जी का विषय बहुत ही अच्छा है, वो तो आहार ही है, और वो तो सबका प्रिय विषय है। और हमने आहार पे बहुत लेक्चर लिए हैं श्वेता जी, नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट बुला के, आयुर्वेद जी के एक्सपर्ट बुला के, परंतु ये जो होलिस्टिक न्यूट्रिशंस जानना है, जो आप कर रहे, वो हेल्थ के लिए, अलग अलग गट के लिए, कौन से किसी ऐसे अलग अलग टॉपिक हॉर्मोन्स के लिए। को एक्सप्लेन कर रही, दैट्स द ग्रेट थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्वाद का जितना लोगों को महत्व, इम्पोर्टेंट है, उतना बाकी चीजों का आहार के बारे में है ही नहीं। तो श्वेता जी इधर टर्न होने का कारण ये था कि उनकी माताजी थे, वो माताजी जस्ट उम्र माताजी की 43 थी, वो 43 थी तब डेथ हो गई थी। और उसके पहले उनके फादर ने, उन्होंने कितने सारे 25-30 डॉक्टर के पास उनको उपचार करने का प्रयत्न कर दिया है, परंतु वो बचा नहीं पाए। तब उनके मन में ऐसा क्यों होता है, तब उनको लगा कि कुछ तो होना चाहिए, कि मैं कुछ कर सकती थी, मैं क्यों नहीं कुछ कर पाई। तो अगर ऐसे ही लोगों के जीवन में, कई लोग ऐसे हैं कि कुछ रास्ता ढूंढते और मिलता नहीं है, तो मैं उनका एक राह का पथिक बन जाऊं और मार्गदर्शन करूं, वही ठान लिया उन्होंने। और उन्होंने फिर ये न्यूट्रिशियन का कोर्स कर लिया, उन्होंने बहुत सुंदर कोर्स किया है न्यूट्रिशियंस का, और गट हेल्थ कोच, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं, वो खुद ही बता देंगे कि ये गट हेल्थ कोच क्या होता है। तो उन्होंने दो तीन ऐसे कोर्स भी किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है
कि वो कई सालों से इसका प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने रेखा जी से बात की, रेखा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो रेखा से मैंने पूछा, तब उन्होंने बोला कि इनके बहुत सारे वो न्यूट्रिशियन के गाइडलाइन देते हैं और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हुआ है। तो आई होप कि आज आप हमारे एमपी के और कल्याणम में आए, और हमारा ये जो चैनल है, वैसे वो वर्ल्ड वाइज फेमस है बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई देश के लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, वक्ता के रूप में भी, ट्रेनर के रूप में भी, और रेगुलर क्लास में भी कई कई बाहर से लोग भी जुड़ते हैं। तो ऐसे में आपका नॉलेज भी सबके काम आ जाएगा, और एक नई इंफॉर्मेशन मिली तो, और हमारी एक सिस्टम है श्वेता जी, हमारे में आता है वो हमारा फैमिली मेंबर बन जाता है, अपना बन जाता है। थैंक हक से यू सो हक से बोलते हैं कि हमारी क्लास ले लो, या आप हक से कहो कि मुझे क्लास लेनी है, तो ये हमारा एक सुसंवाद बने। इसी भाव के साथ मैं आपको स्वागत करती हूँ सबकी तरफ से, वेलकम वेलकम एंड मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक एंड यू। माइक हैंड ओवर टू श्वेता जी। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत सुबह सुबह की बहुत बहुत राम राम। और थोड़ा हेलो, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा तो चलेगा आई थिंक अलका श्योर जी। श्योर, डोंट वरी डोंट वरी, हमें ओके गुजराती हिंदी सबकी आदत है सबको। ठीक है, तो मैं पहले अपना अपने बारे में कुछ बताती हूँ। वैसे तो अलका जी ने बता ही दिया मेरे बारे में कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला। तो बहुत ही कम उम्र में मेरी मम्मी चली गई, तो ऐसा लगता था कि मन में एक वो रहता था कि क्यों ऐसा हुआ कि इतनी कम उम्र में। 43 तो कोई एज भी नहीं होती है आजकल। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो 100 ईयर्स से भी ऊपर जी जाते हैं और काम करते हुए जीते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पे हो और जी रहे हो। जीने के भी दो चीजें होती है कि आप काम करते हुए, कुछ आपका मोटिव होता है लाइफ में कि आप मोटिव है, आपका कोई पर्पस है, और एक होता है कि आप बस बिस्तर पे हो और जी रहे हो। तो वो ही मेरा एक बहुत बड़ा था कि नहीं, मुझे भी आगे कुछ करना है, कुछ लोगों की भी मदद करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, वो नहीं था मेरा कभी भी, कि मुझे जो नॉलेज है वो किसी से, किसी को उससे फायदा हो, उसको उससे वो ऊपर उठ सके। तो वो ही मेरा मोटिव लेके मैं चल पड़ी। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो मुझे हेल्प कर रहे हैं मुझे आगे बढ़ने में। तो ऐसा ही है। और बहुत सालों तक मैं भी डाइट वाले चक्कर में फंसी रही कि थोड़ा टाइम डाइट करो और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाता है, एक बार वेट कम हो जाता है, लेकिन फिर वापस से डाइट छोड़ो और वैसे का वैसे वो ही वेट वापस आ जाता है और हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। तो वो ही मेरा था कि आप अपनी बॉडी को पहले समझो, ऐसा क्या हो रहा है कि आपको बार बार डाइटिंग करने की जरूरत है। क्योंकि पुराने जमाने में तो हमने कभी सुना नहीं कि किसी लोगों ने डाइट किया होगा। वो ही रोटी चावल दाल सब्जी नेचुरल घर का खाना खाते थे और नेचुरल हेल्दी रहते थे, कितने कितने किलोमीटर चल पाते थे। तो वो ही था कि अपनी बॉडी को हमको अंदर से समझना है और लोगों को समझाना है। तो वो ही मेरा मोटिव है और वो ही मैं, उसी से मैंने ये प्रोग्राम भी शुरू किया। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो हमारा ये प्रोग्राम ही है बॉडी विस्पर्स। अपनी बॉडी को सुनो, अपनी बॉडी को समझो। बॉडी के भी 3 टाइप होते हैं। आप लोगों ने आयुर्वेदा की भी क्लासेस बहुत सारी की होगी कि पित्त होता है, वात होता है, कफा होता है। तो सबकी बॉडी जो होती है वो अलग-अलग टाइप से होती है, और हमारी बॉडी जो है हमको अच्छी तरह से संकेत देती है। 3 तरीके से हमको संकेत देती है। पहला होता है कि फिजिकली सिग्नल दे रही है,
कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी, ये जो आपका नेक होता है, शोल्डर्स होते हैं, ये सब टेंशन की वजह से हमारे, ये सब कई लोगों को फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है, तो वो भी एक तरीके का संकेत होता है बॉडी का कि समथिंग इज, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ आप आहार गलत ले रहे हो या कुछ गलत हो रहा है, तो ये बॉडी हमको संकेत देती है। फटीक मतलब बहुत ज्यादा थकावट हो जाना, कई लेडीज को मैंने देखा है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, वो शाम तक आते आते उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, कि 4-5 बजे तक वो मुझे बोलने लगते कि श्वेता अब तो काम नहीं होता है, बहुत थकावट लगती है। तो ये क्यों हो रहा है, ये भी एक संकेत है। आप अच्छी तरीके से 7-8 घंटे नींद लेते हो, उसके बाद 4-5 बजे तक ही आपको थकावट क्यों हो जाती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर हमको भूख का संकेत नहीं होता, हमको क्रेविंग्स होती है। आजकल जो नया ट्रेंड लोगों ने बना दिया है कि क्रेविंग्स हो रही है, मीठे की क्रेविंग होती है, नमक की क्रेविंग होती है, किसी किसी को आइस के खाने, बर्फ का जो गोला होता है वो खाने की क्रेविंग होती है। तो ये सब कोई नॉर्मल चीजें नहीं है, कि ये सब सिर्फ हमारा शरीर हमको संकेत देता है कि कुछ ना कुछ अंदर गलत है। अगर आपको क्रेविंग है तो इसका मतलब है कि अंदर आपके न्यूट्रिशन की कमी है, आपके कोई ना कोई वाइटामिन की कमी है, या फिर इमोशनली भी हमको बॉडी जो है वो संकेत देती है। जैसे कभी कभी हम बहुत एंजाइटी में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, कि कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, हमको सब में समान रहने की आवश्यकता है, कि हम अपनी बॉडी को, अपने आप को स्थिर रखें, वो ही हमारी बॉडी के लिए सही होता है। बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा उदास हो जाना, बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ जाना, डिप्रेशन में आ जाना, वो सब सही नहीं है। तो ये सारी जो है, ये छोटी छोटे संकेत है जो हमारी बॉडी हमको देती है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। गट फीलिंग्स, अब आप सबने देखा है, आप सबने महसूस किया है कि जब भी कोई एग्जाम आता है या कुछ ऐसा करने का होता है, तो हमारे पेट में ऐसे तितलियां उड़ने लगती है, अंदर से घबराहट होने लगती है, तो ये हमारा गट फीलिंग होता है कि कुछ, मतलब कई लोगों को ऐसे होता है कि उनको लूज मोशन भी शुरू हो जाते हैं, डायरिया भी शुरू हो जाता है, तो वो हमारी गट फीलिंग होती है कि जो हमको एंजाइटी पैदा करती है। अब इंस्टिंक्ट क्या होता है, इंस्टिंक्ट होता है कि जैसे कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमको समझ में आने लग जाता है कि ये बंदा तो कुछ गलत कर रहा है, या ये बंदी तो कुछ गलत कर रही है। तो ये सारे हमारे जो होते हैं, ये सिग्नल होते हैं जो हमको बॉडी हमको देती है। अब जो अगर हम सुन रहे हैं कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, कि अगर आपकी बॉडी आपको कोई संकेत दे रही है, तो आप उसको सुन भी रहे हो कि नहीं। अगर आप उसको सुन रहे हो, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके फायदे क्या है, कोई हमें बताएगा चैट में लिख के, या फिर कोई बताएगा कि अगर हम बॉडी को सुनते हैं, अपनी बॉडी को, तो उसके फायदे क्या है, कोई भी बताना चाहेगा? अलका जी, हाँ लिखेंगे चैट में, अशोक जी लिख सकते हो चैट में, अशोक जी बता रहे हैं। तुरंत इलाज कर आप, सकते गुस्सा हैं। गुस्सा रुक जाता है, हेल्दी रहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वी कैन टेक केयर, हम सबका भी ध्यान रख सकते हैं और अपना भी ध्यान रख सकते हैं। लिसन टू थॉट्स, ये तो बहुत अच्छा है कि हम अपने थॉट्स को सुन सकते हैं, इससे बड़ी बात तो कुछ होती नहीं है। वो जल्दी ठीक हो सकता है, अपने रोग का इलाज कर सकते हैं, बीमारी पता चलती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ फर्स्ट
एंड वी कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो। अगर हम अच्छे हैं तो हम चार लोगों की मदद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और इसी के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, इसी के गलत चीज भी होती है कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते या हमेशा बीमार रह सकते हैं अगर हम छोटी छोटे संकेतों को नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए दुनिया की बात में सुनो, सबसे पहले अपने आप को सुनो। अब कुछ मैं छोटे छोटे संकेत बताऊंगी जो हमारी बॉडी हमको देती है। तो पहला है कि एसिडिटी। एसिडिटी कायम सबको होता है कि बर्निंग सेंस से एक जलन होती है पेट के अंदर, यहाँ पे हमको जलन होती है खाना खाने के बाद, या फिर कई बार जैसे कुछ भी उल्टा सीधा बाहर का भी खा लिया तो भी हमको जलन हो जाती है, ढकारे आने लगती है। तो ये सारा हमारा एसिडिटी है और ये भी एक तरह का बॉडी हमको संकेत दे रही है कि ये बेटा तुम्हारे अंदर सही नहीं चल रहा, अब तुम कुछ करो इसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको करना क्या है? इसके लिए मैंने बहुत अच्छा घर का नेचुरल चीजें लिखी है, आप सब लिख भी सकते हो। जो काली वाली किशमिश आती है उसको अगर हम लोग चार पांच किशमिश भिगो के, रात भर भिगो के सुबह सुबह खा लेंगे पानी वानी पीने के बाद, तो इससे हमारी एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत अच्छा इलाज है। और एक और होता है जो हमारा सौंफ आता है। सौंफ कायम हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं कि खाना खाने के बाद सौंफ थोड़ा सा उसमें मिश्री मिला के वो हम लोग खाते हैं। तो ये एक तरीके का, ये दो चीजों जो होती है हमारी एसिडिटी को जड़ से ही खत्म कर देती है। और उसके अलावा खाना खाने के बाद 10 मिनट चलना, ये तो बहुत बहुत जरूरी है। खाना खाते ही बैठना नहीं है, सोना नहीं है, सबको पता है। तो ये तीन चीजें अगर आप करोगे तो एसिडिटी आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। फिर हम चलते हैं कॉन्स्टिपेशन, जो पेट साफ नहीं होता। किस किस को नहीं होता है पेट साफ? सुचिता जी का नहीं हो रहा है, वो हाथ ऊपर किया है। हाथ भी तो ऊपर कर सकते हो कि तो ओके इजी समझ में आ जाएगा। तो पेट साफ नहीं होना ये सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा संकेत है। जो हमारा पेट साफ नहीं होता है उसी की वजह से आगे बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती है। तो एसिडिटी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन है क्या? अब एक डस्टबिन है, उसमें कचरा जमा है, अगर आप उसको साफ नहीं करोगे रोज रोज तो वो उसमें से तो बदबू आएगी ना। आप कुछ भी कर लो बदबू तो आएगी, उसमें स्प्रे डाल दो, कुछ भी कर लो, दवाई ले लो, लेकिन कचरा तो अंदर फिर भी जमा है। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि वो कचरे को हम लोग साफ करें, तो अंदर से जो भी हमारा क्लीन हो जाए। जो हमारी गट जो होता है वो हमारी आंत होती है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी आंत होती है, जहां से हमारा कचरा जो है वो क्लियर होने के रास्ते से निकलता है। तो सबसे पहले हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने दो तीन बहुत अच्छे उपाय लिखे हैं। आप रात को सोने के पहले पपीता खा लो, और सुबह एक सुबह भी पपीता खा लो, और एक प्रून्स करके आता है वो भी रात को अगर आप तीन चार भिगो के रख दोगे और सुबह सुबह खा लोगे, पानी उसका हटा देना है पूरा, सिर्फ वो प्रून्स खाने हैं। तो ये हमारा नेचुरली हमको हमारे को क्लियर करने में हेल्प करता है। उसके अलावा पानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कम से कम 3 लीटर पानी पिए। 2.5 से 3 लीटर होता है वो नॉर्मल लोगों के लिए, उतना पानी चाहिए। और फाइबर का इंटेक, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जैसे हम सब्जियां भी खाते हैं, जैसे लौकी खा रहे हैं, टिंडे खा रहे हैं, तो ये हमको छिलके के साथ खानी चाहिए हमेशा।
तो ये छिलके से हमको पूरा फाइबर मिल जाता है। हमारी बॉडी को कम से कम 25% फाइबर चाहिए होता है, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्लियर होता है। और आप योगा करो, सुबह उठ के 10 मिनट पानी का ग्लास लेके मल्लासना में बैठो, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि पहले के जमाने में इंडियन टॉयलेट्स होते थे, अब आजकल सब वेस्टर्न होने लग गए हैं, तो उस वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। हार्मोनल इम्बैलेंस मेनली, ये तो 40-50 की एज तक आते आते फीमेल्स को ये कंडीशन होनी शुरू ही हो जाती है कि मूड स्विंग्स हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। तो आई एम श्योर कि इसमें भी कोई होंगी फीमेल्स जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही होगी। एक आप ठंडी में पंखे के नीचे बैठे हो तो भी आपका पसीना बहता रहता है, तो ये सारे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, जो हमारे हार्मोन सही नहीं है, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत अच्छा, जो बोलते हैं ना रामबाण उपाय होता है, इसके लिए सीड साइक्लिंग होता है। जो हमारे 4 तरह के सीड होते हैं, पम्पकिन होता है, फ्लैक्स सीड्स होता है, चिया सीड्स होता है और सनफ्लावर सीड्स होता है। इसको आप पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन वैसे साइकिल में अगर आप खाते हो, तो इससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी थे जिनको पीरियड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है, मतलब आते नहीं है पीरियड्स, या आते हैं तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो उन सबको इन इस चीजों से बहुत फायदा हुआ है। एक मेरी सूरत की ही क्लाइंट थी, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि उसको 6 महीने से पीरियड्स इतने ज्यादा आ रहे थे कि उसको वीकनेस आ गई थी। उसको डॉक्टर ने ये बॉटल चढ़ाने बोल दिया था, और कंटिन्यूअस वो दवाइयों पे थी। उसने होम्योपैथी दिखाया, आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट ली, लेकिन उसको फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 6 महीना उसने कंटिन्यूअसली 100% ये पूरा आहार अपना चेंज किया, खाना जैसे जैसे मैंने उसको बोला, और उसकी सारी प्रॉब्लम जो है वो एकदम जड़ से खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा है कि हम खाने से ही अपना सारा अंदर का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर थायराइड, ये तो अभी इतना कॉमन हो चुका है, आई एम श्योर आप में से भी कई लोगों को थायराइड होगा ही। तो थायराइड जो है ये हमारा, यहाँ जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसको धीमा कर देता है, और हमारी एज को रिवर्स नहीं होने देता, हमारी एज को सही नहीं होने देता, और हमारे वजन को भी कम नहीं होने देता। तो ये थायराइड जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है हमारी बॉडी का, तो इस पे हमको काम करना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मेरे 3-4 क्लाइंट्स ने पूरा 100% फॉलो किया 1 साल तक, और उन लोगों ने जड़ से थायराइड खत्म कर दिया, उनकी दवाइयां बंद कर दी डॉक्टर्स ने कि अब आपको आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है, और टोटल खाने से सब कुछ हुआ है। तो इसके सुपर फूड्स आप लिख सकते हैं कि कोकोनट, जो हमारा नारियल होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है थायराइड में। अगर हम जो नारियल की गिरी होती है जो हम प्रसाद में खाते हैं, वो हम रोज के 3-4 पीस खाएंगे, कोई भी जैसे शाम को खा लिया या फिर नाश्ते के बाद खा लिया, तो उससे हमारे ग्लैंड्स को, हमको थायराइड को बहुत नरिशमेंट मिलता है, बहुत आराम मिलता है। और एक होता है मोरिंगा लीव्स, एक वो आता है सहजन, सहजन बोलते हैं, वो लंबी स्टिक वाला जो आता है सहजन बोलते हैं,
तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, उसके पत्ते भी बहुत जगह मिलते हैं, और वो सहजन आप हफ्ते में 3-4 बार खाओ, या फिर उसका जैसे चावल के साथ उसको बना के खाते हैं, या फिर उसको चटनी बना के खाते हैं उसके पत्तों की, या फिर जैसे डोसा इडली हम बना रहे हैं तो उसमें भी उसके पत्तों को हम डाल सकते हैं। तो ये सारा एक तरह का जो हमारा हिंदुस्तान में ही उगता है, इंडिया में ही उगता है, और वो सुपर फूड है जिसको हम हमेशा से इग्नोर करते आ रहे हैं। और बेसिल सीड सब्जा जो होती है, सब्जा आई थिंक सब जानते ही होंगे सब्जा सीड्स को, तो सब्जा सीड्स को भी आप पानी में भिगो के दिन में एक बार 1 चम्मच करीब सब्जा सीड्स को आप पानी में भिगो दो और दिन में एक बार पियो। ये हमारी हमारे पित्त को कम करता है, हम हमारी बॉडी अंदर से ठंडा करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारा बहुत फायदा करता है। और क्या हम थायराइड के रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया है और सक्सेसफुली किया है, और बिना कोई कोई वैसा नहीं कि कोई मेडिसिन ले लेकर या कोई सप्लीमेंट लेके किया है, नेचुरली किया है, घर के खाने से किया है। अब दूसरा है हमारा डायबिटीज, तो हमारा इंडिया ही है जो हमारा कैपिटल सिटी है डायबिटीज का। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इंडिया के लोग भी इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, इतने स्वीट हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम डायबिटीज को ही अपना कैपिटल बना लें, ये तो बहुत गलत बात है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, डायबिटीज को हमको मैनेज करना है, हमको डायबिटीज होने से रोकना है। अब डायबिटीज होता कैसे है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। अब एक गेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो जो हमारा इंसुलिन होता है वो एक चाबी की तरह काम करता है। इंसुलिन जो हम लेते भी हैं आजकल, वो एक चाबी की तरह काम करता है। तो अगर हम इंसुलिन अगर वो नहीं हमारी बॉडी बना रही है तो वो गेट खुलेगा ही नहीं। अगर वो गेट खुलेगा ही नहीं तो हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारा जाएगा ही नहीं, हमारे सेल्स को मिलेगा ही नहीं, तो वो एनर्जी बनेगी कहाँ से? और जितना भी हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ पे जमा होता जा रहा है? हमारे ब्लड के अंदर। तो उससे क्या होता है, जो ब्लड में जो हमारा चीनी हो गया, जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, अल्टीमेटली बनता सब शुगर ही है, सब एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है, सब शुगर ही बनता है। तो वो सारा हमारा खून के अंदर जमा हो जाता है और वो बढ़ाता है हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, और उसी के कारण हमारा होता है डायबिटीज, जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज भी 2 टाइप की होती है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज होती है, वो ही हमारी होती है मेन कल्प्रिट। जो हमारा मेन होता है इंसुलिन, वो चाबी हमारी गेट खोलेगी, खाना आपको सेल्स को जाएगा और आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तभी हम अपने प्रोग्राम में अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं कि आप अगर प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रही है कि नहीं। वो सबसे बड़ा संकेत है बॉडी का कि आपका अंदर से सारा सिस्टम सही चल रहा है। तो अब हम डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करें, मैनेज कैसे करें? उसको हम लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं खाने के उससे, कि कम खाना खाओ, लिमिट में खाना खाओ, चलो फिरो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने थॉट्स पे काबू करो। कई बार क्या होता है कि हमको इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हम स्ट्रेस के कारण खाना ज्यादा खाने लग जाते हैं या फिर कम खाने लग जाते हैं। तो हमारे थॉट्स, हमारे विचार ही जो है वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन होते हैं या फिर दोस्त होते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम उनको सही कर लेंगे मेडिटेशन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, जो इतना बड़ा हमको उपहार मिला हुआ है हिंदुस्तान को, इंडिया को, मेडिटेशन का और प्राणायाम का, ये सबसे बड़ी जीत है हमारे लिए कि इससे हम सब कुछ, सारी बीमारी को सही कर सकते हैं। फिर एक होता है कि बॉडी को सुनने की टेक्निक होती है। अब ये मैं आपको आज सिखाऊंगी कि आपकी बॉडी को, आपको खुद को कैसे आप सुन सकते हो। तो अपनी भूख को और अपनी प्यास को समझो, ठीक है? अगर आपका मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, तो आप अपनी भूख को समझ पाओगे। कई बार क्या होता है कि कई बार लोग खाना तो खा रहे हैं, चलो टाइम हो गया, 1 बज गए, खाना खा लो, लेकिन आपको अपनी बॉडी को समझना है कि क्या आपको भूख भी लग रही है, या फिर सिर्फ घड़ी देखकर कि चलो 3 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है, सब गिनती का खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा अपनी बॉडी के संकेत के अनुसार खाना खाना है। मैं जैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं 5-6 बजे, मेरी बॉडी मुझे संकेत देती है कि श्वेता तुझे भूख लग रही है जोर से, अब तू खाना खा ले। तो मैं 5-6 बजे अपना सारा डिनर जो होता है वो खत्म कर लेती हूँ, और उसके बाद तक रात तक, सुबह तक मुझे भूख नहीं लगती है। तो ये मैंने अपनी बॉडी को खुद समझा है कि मुझे कब सबसे ज्यादा भूख लगती है। मैं उस समय अपना अच्छे से शांति से बैठ के खा लेती हूँ, और उससे मुझे फायदा क्या होता है कि मुझे अटर पटर खाने की जरूरत नहीं होती। मैं अच्छे से अपना सूप लिया, या फिर जो भी मुझे खिचड़ी, दलिया, रोटी, चावल, जो भी मुझे खाना है वो मैं अच्छे से उस समय पेट भर के खा लेती हूँ। और तो ये हमारा संकेत सुनने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप सुनो, अपने आप को समझो कि आपको सबसे ज्यादा भूख कब लग रही है, आप उस समय अपना अच्छे से खाओ। और खाना तभी है जब आपको भूख लगे, टाइम देखकर नहीं और गिनती करके नहीं, कि हमको 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है, 1 रोटी खानी है। अपन हर बॉडी हर समय अलग अलग संकेत देती है। जैसे मेरा, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, कभी मुझे 1.5 रोटी की भूख लगती है, कभी मुझे 2 रोटी की भी भूख लगती है। तो ऐसे ही हर समय अलग अलग बॉडी संकेत देती है। और खाना हमको अपने, हमारा जो पेट है उसका 80% ही खाना है, क्योंकि बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनको भी हमारे पेट में आना होता है, तो वो भी काम करते हैं उसको मेल्ट करने में, उसको पचाने में। तो हमको 80% खाना है ताकि 20% हमारे जूसेस के लिए जगह रहे, ताकि हमारे डाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और शांति से खाना है, कोई गैजेट नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए। हाँ, सो खाने को प्रणाम करना चाहिए, उसका स्वाद लेना चाहिए। स्वाद मतलब ये नहीं कि फ्राइड खा लिया हर समय, ऐसा नहीं। स्वाद, अगर हम लौकी की भी सब्जी खा रहे हैं तो उसमें भी स्वाद होता है। अगर आपको भूख लगेगी तो आपको स्वाद का पता लगेगा। एक ये बहुत अच्छा ट्रिक है, जब आपको स्वाद लगना बंद हो जाए, एक बेसिक सा आप एप्पल भी खा रहे हो तो उसमें भी आपको स्वाद आना चाहिए। अगर आपको वो स्वाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको भूख नहीं लगी है, आप जबरदस्ती खा रहे हो, उसमें नमक मसाला लगा लगा कर आप स्वाद लेने के लिए खा रहे हो, पर ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में, बहुत सालों सालों पहले, जब खाना खाने के लिए हमको जंगल में जाना पड़ता था ढूंढने के लिए, तब वहां कोई नमक मसाला नहीं होता था। हम पेड़ पर से एक सेब या कुछ भी उतार लेते थे और वो ऐसे ही खा लेते थे, तब हमको असली पता लगता था कि वो स्वाद होता है। तो ये होता है स्वाद। अगर आप एक सेब खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, तो उसका आपको
स्वाद होना चाहिए। और अगर आपको ये सारे संकेत नहीं समझ में आ रहे, तो ये बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं। आप अगर शांति से इसको समझोगे, खुद से सीखोगे, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत डाइजेशन अगर आपका सही हो गया, तो कोई भी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर हमारा कंसिस्टेंसी, हमेशा जो हम करते हैं, जैसे हमारी रेगुलर, ये एमपीके ने बहुत अच्छी क्लासेस शुरू की है, तो बहुत लोगों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। और मैं भी अभी नई नई जुड़ी हूँ इसमें, तो मुझे, मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे, अलका जी ने मुझे भेजे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि लोगों को इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हमको मिल रही है वो भी। और तो फिर अब ये हमारा कंसिस्टेंसी हमको मिल रही है, ये वीडियोस जो है, क्लासेस जो है, हमारे रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं। रेगुलरली अगर आप इनको सुनते जाओगे, तो आपको फायदा होता जाएगा। वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में हमको करना क्या है, हमको एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, एंजाइटी नहीं, नॉर्मल रहना है लाइफ में। हाइड्रेशन, पानी, पानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारी धरती जो है, उसमें 70% तो पानी है, तो हमारी बॉडी भी जो है, उसमें 70% हमारा पानी ही होता है, इतना खाना नहीं होता। तो 70% पानी आपको उतना रखना है। वो आप कैसे रख सकते हो, वाटर रिच, जो हमारे अभी जैसे समर्स आ गए, तो हम लोग वाटरमेलन खा सकते हैं, कुकुम्बर्स खा सकते हैं, तो इससे हमारा वाटर इंटेक बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। पुदीने की चटनी, पुदीना जो होता है वो हमारा वाटर रिच होता है, धनिया जो होता है वो हमारा वाटर रिच होता है, जो धनिए पुदीने की चटनी होती है ना, ये बहुत ज्यादा हमारा आयरन लेवल बढ़ाती है, कैल्शियम लेवल बढ़ाती है, और हमारी बॉडी को अंदर से ठंडा भी करती है, हाइड्रेट भी रखती है। और सोना, सोना तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 घंटे रोज। और वो भी सोना ऐसे नहीं कि बिस्तर पे पड़े और करवट इधर से उधर लगा रहे हैं, इसको सोना नहीं बोलते। सोना मतलब एक बार आपने तकिए पे सिर रखा और आपको नींद आ गई और सुबह ही नींद खुली, इसको असली सोना कहते हैं। तो ये सोना हमारी बॉडी के लिए सोना ही होता है, गोल्ड ही होता है, कि ये एक्चुअल में अंदर से जितनी हीलिंग होती है जब हम सोते हैं, तो ये उस समय हमारा सारी हीलिंग प्रोसेस सोने के समय ही करता है। तो खाना हमको जल्दी खाना चाहिए इवनिंग में, आई एम श्योर आप लोग करते ही होंगे, और 5-6 बजे आप खाना खा लो, उसके बाद आप कुछ मत खाओ, सिर्फ पानी पियो, पानी भी बहुत ज्यादा मत पियो। सोने के 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले तक मोबाइल का इस्तेमाल, कोई भी गैजेट का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो ब्लू लाइट जब हमारे आंखों पे पड़ती है, तो उससे हमारा जो हार्मोन होता है, मेलाटोनिन होता है, ये सब डिस्टर्ब होता है और हमारी नींद में प्रॉब्लम आती है। सबसे बेस्ट है कि मेडिटेशन करें सोने के पहले, प्रेयर्स करें, ग्रैटिट्यूड करें, हर चीज को थैंकफुल करें, तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं। तो इससे हमको नींद भी अच्छी आती है। और एक्सरसाइज में हमको योगा जो है वो हमारा बहुत अच्छा काम करता है। आप रोज हफ्ते में 5 बार 6 बार योगा करो, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेस को भी हमको मैनेज हमारा मेडिटेशन से, प्राणायाम से आराम से हो जाता है। तो ये सारे हमारे हैबिट्स हैं, जो अगर हम डेली लाइफ में करते हैं, तो हमारी लाइफ जो है वो डिजीज फ्री होती है, हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमारी लाइफ में कोई पर्पस होता है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर हमारा शरीर चल रहा है, तो हम दो लोगों की मदद करते हैं, तो हमको अंदर से खुशी मिलती है,
कि हाँ आज मैंने कुछ किया, आज मैंने किसी की मदद की, उससे बड़ा संतोष कुछ नहीं है। तो ये हमारा आज का था प्रोग्राम। आई एम श्योर मैंने टाइम पे खत्म कर दिया है। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम जो प्लान जो है, खाना जो है, वो आपके अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो आप खा सको, आपकी बॉडी को आपसे मिलाते हैं, सिखाते हैं कि आपकी अपनी बॉडी को कैसे सुनना है, कैसे समझना है, ताकि आप डिजीज फ्री लाइफ जी सको, एकदम बीमारियों से बच सको जहां तक हो सके। बाकी तो आजकल मिलावट इतना आने लग गया है कि हम अपनी बॉडी को अगर समझ जाए, अगर सुनने लग जाए, तो मैक्सिमम जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारे शरीर से जो संकेत मिलते हैं उनके बारे में बताया, और संकेतों को किस तरह से हमें समझते हुए उन पर ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित रूप से बहुत ही जानकारी हमें सकते हैं। जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो। संगीता जी हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी बोलिए। नमस्ते मैम। मैम आपने कहा कि हमें क्रेविंग्स हो जो खाने पीने की होती है, जब कभी हमें लगता है मीठा खाना, वो भी हेल्थ इश्यू में आता है मैम, या हाँ बॉडी जी, मांगता है वो नहीं खाना नहीं चाहिए? वो भी मतलब अगर आपके खाने में कुछ कमी है, तो जैसे कई बार होता है कि जैसे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो हमारा प्लेट, खाने का प्लेट कैसा होता है, वो बैलेंस होता है कि उसमें रोटी है, हरी सब्जी है, दाल है, चटनी है, अचार है। मैं अपने क्लाइंट्स को, सब क्लाइंट्स को अचार भी देती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा, जो हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जो हमारे घर का बना हुआ अचार होता है। तो वो अगर कोई भी चीज की कमी होगी ना, तो वो आपको स्वीट क्रेविंग हो जाएगी, तो वो मतलब बॉडी आपको संकेत ही दे रही है कि अंदर कुछ कमी है। और मैम जो सीड्स है सब सारा के, जो पंपकिन सीड्स या सीड्स, वो सब हम कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए, उसका आधा आधा पूरा चम्मच, आधा आधा चम्मच, ये सब चीज का पाउडर बना के भी ले सकते हैं मैम? हाँ पाउडर बना के भी तो ले ये सकते पाउडर हैं, कितना, 1 टीस्पून ले सकते हैं? अच्छा, 1 टीस्पून दोनों पाउडर का मिला के। पूरे टाइप्स के पाउडर्स मिला के 1 टीस्पून बस हो जाते हैं? हाँ। ओ मरहम। अशोक जी जैन सूरत संगीता से। जी पाउडर नहीं भी जय की ना, मुखवा जैसे खाया ना संगीता जी, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। पाउडर खाने से चबा के खाने का फायदा भी ज्यादा होता है। और उसको जय रोस्ट जी। भी नहीं करना है, उसको कच्चा ही खाना है। आज के प्रोग्राम सुनने से ऐसा लगा कि भाई अपन एक स्वस्थ रहने का गोल बना देंगे तो अपन अपने को खुद को देख सकते हैं कि भाई अपने को क्या चाहिए, तो अपन उसके लिए कर सकते हैं। और मेरा एक प्रश्न था, जैसे शुगर, शुगर में लोगों को बोलते हैं 2 2 घंटे में खाने का, एक्चुअल में 2 घंटे में पाचन भी नहीं होता है और नहीं उनको भूख भी ज्यादा लगती है, तो थोड़े थोड़े टाइम बाद में खावे या फिर दिन में 2 बार खाके अपना काम चला सकते? नहीं दिन में 2 बार तो नहीं चलेगा, आपको अपनी बॉडी को ही समझना पड़ेगा। जैसे जिस दिन काम होता है, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको टाइम नहीं होता कि हम शांति से उस दिन अपनी बॉडी को समझ सके। तो जैसे एक दिन, जैसे छुट्टी का दिन है, आज संडे है, तो आज पूरा दिन आप अपनी बॉडी को सुनने का एक टारगेट बनाओ कि आज मैं अपनी बॉडी को समझता हूँ कि मुझे भूख लगती कब है। तो ऐसा नहीं, 2 2 घंटे पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पाचन ही नहीं होगा। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, वो पाचन ही नहीं होगा, और वो अल्टीमेटली शुगर का रेस वो बढ़ाता ही जाएगा खून में, तो वो नहीं करना है। एक छुट्टी का दिन लो, उस दिन आप अपनी बॉडी के सारे संकेत को समझो कि मुझे भूख कब लग रही है। और अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ, हो सकता है कि प्रोटीन इंटेक भी कम हो। मधु जी तो बेंगलोर से। मधु जी बोलिए। मधु जी नमस्ते,
जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मेरा मेरा प्रश्न था, आपने कहा सब्जा भिगो कर सब्जा खाना चाहिए, तो क्या वो भिगो कर खाना चाहिए? और कफ प्रवृत्ति वालों को सब्जा और गोंद का तीरा खाना चाहिए कि नहीं? गोंद का तीरा भी वो पानी में फूल जाता है हाँ हाँ और हाँ ठंडा 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 होता है। होता है वो, ठंडा होता है तो वो ज्यादा आप नहीं लोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब क्योंकि सब्जा भी कम, सब्जा सब्जा भी भी नहीं, ठंडा करता है पेट में जाके, तो वो कफ को बढ़ाएगा, तो तो कफ वो के लिए कुछ बता सकते हैं कि क्या फ्रूट लेना चाहिए कफ के यार? लिए आप वो ले सकते हो, अंजीर अच्छा है आपके लिए। और हाँ कफ के लिए सबसे बढ़िया तो है कि आप गर्म पानी आप पियो, हाँ और पान का एक रस आता है, पान का जो हमारा पत्ता आता हाँ है उसका रस निकाल लो, और उसमें थोड़ा शहद मिला के उसका थोड़ा ही पीना है, ज्यादा नहीं पीना। जैसे 1 चम्मच है तो उसका 1/4 टीस्पून आप पियो, तो उससे आपको कफ में बहुत आराम मिलता है। तो पत्ते का लिक्विड मिलता है क्या? पान के पत्ते का नहीं, लिक्विड वो पान नहीं, का गर्म है? पत्ता आपको घर में ही वो जो ओके हमारी हाँ कूट के, और उसका थोड़ा सा ही रस निकलेगा बस उसमें शहद मिला के, क्योंकि वो ओके बहुत गर्म प्रवृत्ति का होता है, तो वो आप ओके पियोगे ना तो उससे आपको फायदा हो। श्वेता जी, ओके थैंक चिया सीड्स के बारे में क्या है? सब्जा का बीज इंडियन है और चिया सीड्स वो मैक्सिकन है, विलायती है। तो हाँ कौन अभी सा प्रेफर करना चाहिए हमें? मतलब अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो उनको सब्जा ही लेना चाहिए, अगर आप बाहर हो तो आपको चिया सीड्स ले नहीं, लेना हम चाहिए। यहाँ है और चिया सीड्स लिए तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि अभी उसका बहुत ज्यादा आता है ना चिया सीड्स। नहीं, लेकिन सब्जा जो है ना वो एक्चुअल में ज्यादा फायदा करता है। सबसे ज्यादा हाँ, क्योंकि सालों से तो हम सब्जा ही खा रहे हैं, जो हम कुल्फी में फालूदा में सब्जा ही खाते आ रहे हैं, ये चिया सीड्स तो, और हमेशा वो ही खाना ज्यादा प्रेफर करो जो आपने बचपन से खाया है। जैसे मैं बिल्कुल ऑयल का एक एग्जाम्पल लेती हूँ, तेल जो हम खाते हैं, जैसे मैंने बचपन से, जो हमारा सरसों का हमारा तेल आता है, मैंने बचपन से सरसों का तेल ही खाया है, तो मैं एकदा बेबी के साथ वो ही प्रेफर करती हूँ कि मैं सरसों के तेल में ही खाना बना के खाती हूँ। जैसे मैं शादी होके यहाँ सूरत में आई, तो यहाँ पे ज्यादा वो सींग तेल या फिर तिल का तेल ज्यादा चलता है, लेकिन वो मुझे सूट नहीं होता, वो मेरे लिए गर्म हो जाता है। और सरसों का तेल भी गर्म है, लेकिन वो मैंने बचपन से खाया है तो वो मुझे गर्म नहीं करता, वो मुझे सूट करता है। तो ऐसे अमिता बरडिया, अमिता बरडिया। हाँ आप हाँ जय जिनेंद्र, वीडियो ऑन मतलब कर दीजिए अमिता जी। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ मैम, जैसे कभी कभी कोई मेडिसिन और लेते हैं तो डॉक्टर लोग मिल्क प्रोडक्ट्स लेने के लिए मना करते हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट्स जब नहीं ले रहे हैं तो उसके रिप्लेसमेंट में क्या चीजें हमको खानी चाहिए? जैसे और रागी है, एनेमिक ऑल्सो। अच्छा तो रागी है, रागी हमारा मिल्क रिप्लेसमेंट करता है, जो हमारा तिल आता है, तिल में हमारा बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में तो उतना होता भी नहीं है, तो रागी है वो हमारा सस्ता और इंडिया का प्रोडक्ट है जो बहुत सस्ता आता है, तिल जो है हम सालों से खाते आ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है। और अगर आप एनीमिक हो तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा दो उपाय बताऊंगी, आप बीटरूट खाना शुरू कर दो, बीटरूट बहुत अच्छा है, और प्लस आप खजूर खाना शुरू कर दो, दो खजूर, खजूर होल ऐसे ही या भिगो के? नहीं खजूर ऐसे ही खाना है, और बीटरूट आप बॉईल करके या स्टीम करके सैलेड में 3-4 स्लाइस खाओ रोज। ओके थैंक यू मैम। ओके और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। सुचेता जी, कुछ पूछना है आपको? जय जिनेंद्र। जय हाँ जिनेंद्र, श्वेता जी ने मुझे पूछा था, अभी आपने बोला कि खाने में अचार चाहिए, लेकिन अचार से एसिडिटी भी ज्यादा होती है ना, और दूसरा अभी आपने बोला कि एक ही जो तेल है वो बचपन से जो लिया वही चाहिए, लेकिन ना कुछ लोग बोलते हैं कि तेल एक ही नहीं रखना चाहिए, चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी बाहर रहते हैं तो वहां पे वैसा ही तेल नहीं रहता है, दूसरे तेल में तो सब्जी रहती है,
तो फिर अपने को तकलीफ होती है, तो चेंज करके तेल भी खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए? अब आपकी बॉडी अगर सूट कर रहा है, आपको आपकी बॉडी को ही सुनना है और किसी को नहीं सुनना है, यही हमारा मोटो है कि आप अपने आप को सुनो। अगर आप दूसरा तेल खा रहे हो और उससे आपको कोई हानि नहीं हो रहा, तो इट इज कम्प्लीटली ओके, वो बिल्कुल ठीक है, आप चेंज करते रहो। जैसे मैंने बोला कि मुझे सूट नहीं हुआ, मुझे दाने हो गए, गरम कर गया तो मुझे सूट नहीं हुआ, तो वैसे ही सबकी बॉडी जो है वो अलग है, तो वैसे ही आपको अपनी बॉडी को ही सुनना है। हाँ ओके, और सुनिए, वो आचार का बोला था आपने, लेकिन मुझे एसिडिटी ज्यादा रहती है, तो आचार लेती भी हूँ, तो एसिडिटी होती है क्या आचार से? एसिडिटी तो नहीं होती है अचार से, और आप थोड़ा क्वांटिटी, इतना अचार खाने का हमारा इतना ही क्वांटिटी होता है, और अगर आप इतना खाओगे तो वो फर्क पड़ेगा, मतलब अचार बना ही इसीलिए कि हम उसको इतना सा खाएं। और धन्यवाद। बाकी एसिडिटी के लिए मैंने दो तीन जो उपाय बताए हैं वो आप अगर करोगे तो आपको फर्क पड़ेगा। ओके धन्यवाद, मैंने लिख के लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। हेलो, हाँ हाँ जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जी, मैं बोल रहा था प्रोटीन में घर के क्या आइटम ले सकते हैं। जैसे मेरे जनरली मतलब थोड़ी सी ज्यादा वर्किंग होती है तो 1 बजे के बाद में थकान बहुत ज्यादा लगती है, मतलब आधा 1 घंटा काम करता हूँ और एकदम सुस्ती आ जाती है। थोड़ा सा हल्का डायबिटीज भी तो, और एंजाइटी तो रहता ही है, मतलब एंजाइटी का ट्रीटमेंट हुआ है, तो उस हिसाब से क्या करूँ मतलब थकान कम हो मतलब। उसके उसके लिए नाश्ते में ना आप प्रोटीन का थोड़ा प्रोटीन टाइप का नाश्ता बढ़ा दो, जैसे हमारा बेसन का चिल्ला होता है वो आप बढ़ा दो, या फिर मूंग दाल का चिल्ला हो गया, या फिर जैसे अभी पनीर और मटर मिला के उसकी आप टिक्की भी बना सकते हो। इस टाइप के नाश्ते आप करोगे ना तो आपको फर्क लगेगा। और एक आता है कुलित की दाल आती है, कुलित कुलित की दाल, इंग्लिश में उसको हॉर्स क्रैम बोलते हैं, तो वो कुलित की दाल आप भिगो के उसको जो हम स्प्राउट करते हैं उसको स्प्राउट करके, जो उसमें बोलते कि उसमें जीवन डाल दिया हमने, तो वो स्प्राउट करके फिर उसको बॉयल करके आप वो भी उसकी दाल वगैरह खाओगे ना तो आपको बहुत एनर्जी में फर्क लगेगा और प्रोटीन भी बहुत मिलता है उससे। कुलित की आप दाल का और क्या नाम है मतलब। गूगल पे सर्च कर लो, कुलित ही बोलते हैं उसको, मुझे दो ही ओके नाम थैंक पता है उसके, कुलित और हॉर्स क्रैम। यू। बहुत सुंदर जानकारी। अभी किसी की कोई पर्सनल आपकी समस्या हो तो आप श्वेता जी से बात करना चाहते हो तो श्वेता जी आप अपना नंबर प्लीज आप बोल देंगे तो मैं जिनको जरूरत हो चैट नंबर। बॉक्स मेल बोल 9327627 6274 7। ओ मरहम के लिए बहुत सुंदर श्वेता जी, आपकी जानकारी बताने का स्टाइल दोनों भी वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम धन्यवाद। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। फिर
कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी है। अशोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा ध्यान में अपन अपने शरीर को देखते हैं, और आज श्वेता जी ने वही बताया कि अपने शरीर में जो इंडिकेट होता है उनको देखो, उससे अपन निरोग रह सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज।